नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो पेशेंट बहुत खुश हो जाते हैं, उनके हस्बैंड भी हैप्पी होता है और एक पूरे फैमिली में एक हैप्पीनेस आ जाती है और वो पूरी फैमिली 9 मंथ का इंतज़ार करती है कि कभी बच्चा हमारे हाथ में आ जाए। जब भी बच्चा आता है तो उसकी हैप्पीनेस बहुत दुगनी हो जाती है और ये एक यादगार क्षण हो जाता है जीवन का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है और बहुत ही मूल्यवान समय है। मगर उसके ऑपोजिट, अगर आपकी प्रेगनेंसी रही है और आपके कोई कारण से आपका अबॉर्शन हो जाता है तो बहुत डिप्रेशन हो जाता है, मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारे सवाल अपने आप में रहता है कि ये अबॉर्शन क्यों हुआ, अगर ये अबॉर्शन हुआ है तो आगे ये अबॉर्शन हो सकता है, या फिर अभी अबॉर्शन हुआ है तो मैं वापस कब माँ बन सकती हूँ, मैं कभी ट्राई कर सकती हूँ दूसरी प्रेगनेंसी के लिए। तो आज हम यही सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले, जब अबॉर्शन आपका फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हुआ हो, तो ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अबॉर्शन होते हैं तो वो मोस्टली बनावट की वजह से होता है कि जैसे कि बनावट में कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कि बच्चे की बनावट में जब प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। जब बच्चा बनता है तो वो शुक्राणु और एग के दोनों के मिलन से बनता है, उसके अंदर क्रोमोसोमल डिवीजन होता है, कभी कभार डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपका मिसकैरेज एक ही बार हुआ है, मतलब कि आपका ये मिसकैरेज फर्स्ट टाइम ही है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी 1.5 महीने या 2 महीने के बाद प्लान कर सकते हैं। मगर ये मिसकैरेज आपका सेकेंड हो या आपका ये मिसकैरेज थर्ड हो, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर मिलना है। डॉक्टर आपके इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन से कारण है कि जिसकी वजह से आपका 3 बार अबॉर्शन या 2 बार अबॉर्शन हो गया है। डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट की एडवाइस देंगे, आपको सोनोग्राफी कराएंगे, क्योंकि कई कारण ऐसे होते हैं कि अगर आपके यूट्रस में, मतलब कि आपके गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ गांठ हो, कुछ उसका कंजेनाइटल एनामोली हो, मतलब कि यूट्रस के शेप में कुछ प्रॉब्लम हो, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं कभार इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स रहते हैं तो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स के सब टेस्टिंग होते हैं, वो टेस्टिंग कराते हैं। कहीं बार जेनेटिकल टेस्टिंग करते हैं, क्रोमोसोमल टेस्टिंग करते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर जो आपको एडवाइस देंगे उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, वो ट्रीटमेंट करना है। दूसरी प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले आपको टेबलेट फॉलवाइट लेनी ज़रूरत है। वो टेबलेट फॉलवाइट आपके बच्चे को बनने में हेल्प करेंगी, वापस आपके एबॉर्शन करने में प्रिवेंट करेंगे। दूसरा है कि आपके अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लो होगा, आपकी शुगर में डिस्टर्बेंस होगा, आपके थायराइड लेवल में डिस्टर्बेंस होता है, तो भी ऐसे अबॉर्शंस होते हैं। आप अपने आप को पहले फिजिकली और मेंटली स्टेबल कर दीजिए, आपके ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सेकेंड प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। आइडियली मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आपका अबॉर्शन हुआ है तो आप 3 मंथ्स के बाद दूसरी प्रेगनेंसी ट्राई करिए। ये 3 मंथ्स में आप पूरे इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, आपकी पूरी फिजिकली और मेंटली आपकी जो हालत डिस्टर्ब हुई है उसको स्टेबल कर दीजिए। आप एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल कीजिए। एक्सरसाइज आप सुबह 30 मिनट कर सकते हैं। डाइट में चेंजेस लाइए, एक हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस का लेवल कम कर दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें रहती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है अपना अबॉर्शन प्रिवेंट करने के लिए। तो आप अपनी प्रेगनेंसी 2 to 3 मंथ्स में प्लान कर सकते हैं विद ऑल द इन्वेस्टिगेशन, विद एडवाइस फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट। उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी रखने के बाद एक अच्छा बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी अबॉर्शन होगा तो आपको निराश नहीं होना है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसके कारण जानने की कोशिश करिए, उसकी ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट रह सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जब अबॉर्शन होता है तो मैडम हम कभी सेक्स कर सकते हैं या
हम कभी रिलेशन रख सकते हैं। तो जब भी अबॉर्शन होता है तो आप एटलीस्ट 1 मंथ का ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप बच्चे की ट्राई कर सकते हैं या आप रिलेशन रख सकते हैं। तब तक आप अपने हार्मोन बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, आप जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है वो लेकर हेल्दी होने की कोशिश करिए पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।